गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से, मतलब तो 7:15 हो रहे हैं और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। मैंने नाश्ता वास्ता भी बना दी है। ये रहा शिवम, शिवम भी रेडी हो गया है। ये रहा गौरव और अब मैं जाती हूँ इनको छोड़ने स्कूल और फिर बनाना है दोबारा नाश्ता, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड और देवरानी गाँव गए हैं, मतलब घास वास काटने। आजकल वहाँ घास कटाई होती है ना, और मैं यहाँ बच्चों के साथ हूँ, देवरानी के बच्चे भी यहीं हैं, उनके लिए भी बना दिया है टिफ़िन, अपने बच्चों के लिए भी बना दिया है। और वो तो चले गए हैं, अब इनको छोड़ के आती हूँ मैं, फिर बनाती हूँ। मेरे ससुर जी भी आए हैं आजकल यहाँ, तो ससुर जी और देवर के लिए भी बनाती हूँ नाश्ता। तो पहले इनको छोड़ के आती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। और आज मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है, क्योंकि आप दीपावली का टाइम भी आ रहा है और नवरात्रि भी शुरू हो रही हैं, तो साफ़ सफाई करनी है, मतलब तो बहुत सारे काम करने हैं मुझे, तो धीरे धीरे करती हूँ मैं अब। हेलो गाइस, तो हम अभी स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं और अभी हम चलते थोड़ी देर पे स्कूल, फिर मिलते हैं स्कूल से आके। तो ये रहा हमारा मंदिर और मेरा बेटा सुबह नहा के दिया जला के चला गया था। मैंने बोला कि मैं बाद में साफ़ सफाई करूँगी तो फिर बाद में ही नहाऊँगी, इसलिए उसने जला दिया सुबह सुबह। अब इनको सब निकालती हूँ और यहाँ के चेट तो मैंने कल निकाल दिए थे, ये वाला और ये वाला बचा है अभी, क्योंकि सारा ख़राब हो गया पिछले साल दीपावली में लगाया था, अभी फिर नया लगाएंगे इनमें। फिर मैंने निकाले मंदिर के सारे कैलेंडर और फ़ोटो, क्योंकि टाइल साफ़ करूँगी ना तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए सारे निकालने पड़े मुझे। और ये पुराने भी हो गए हैं, तो इस बार देखूंगी मैं नए लेके आऊंगी, तो और सब निकाल के मैंने नीचे रख दी हैं। और बाकी जो पूजा का सामान था और छोटे छोटे मूर्तियां थी वो मैंने एक टब में रख दिया, और ये सरस्वती माता की मूर्ति है, और मैंने सब टब में रख दिए क्योंकि इधर उधर रहेंगे ना तो टूट टूट जाएंगे। और एक गुल्लक में मैंने पेंट किया था पिछले साल, और ये मटका तो मैंने जन्माष्टमी में मैं डेकोरेट किया था, सारे मैंने इसी में रख दिए एक ही साथ। और एक ही कलश है, मतलब कलश के ऊपर नारियल रखा है। और ये रहे मेरे कान्हा जी। पूरा मंदिर खाली खाली हो गया है, बाकी ये तो टाइल हैं, और ये ऊपर वाले नहीं निकाले मैंने क्योंकि नीचे को तो टाइल है ना, टाइल की सफाई करनी पड़ेगी, तो तब निकाले, ऊपर के अपने आप रहते हैं। ऊपर भी जाले वाले लगे हैं, वो साफ़ करती हूँ। एक ही अलमारी है, इसको साफ करती हूँ, इसके ऊपर भी रखा है सामान, अंदर भी भरा है, सारा निकालती हूँ, सब कॉकरोच वॉकरोच होते हैं। मेरे हस्बैंड ने लिखा था इसको भी निकाल देती हूँ, नहीं गीला हो जाएगा। ये वाली अलमारी मैंने साफ़ कर दी है पूरा, बाकी बचा है मंदिर, इसको थोड़ा टाइल घिसती हूँ क्योंकि ये बहुत गंदे हो रहे हैं, और नीचे देखो कितना कूड़ा हो रहा है। अब मैं करती हूँ फटाफट से ये टाइल साफ, क्योंकि वैसे तो गंदा कुछ नहीं है टाइल में, थोड़ी बहुत धूल बैठ जाती है तो वही है। वैसे तो बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं हम इन मंदिर को, तो अब पूरा मतलब ऊपर के टाइल चमक गए हैं और नीचे फ्लोर बचा है, बस फ्लोर की साफ सफाई करनी है। फ्लोर में बहुत गंदा हो रहा है, साफ कर। ये टाइल लगाए थे हमने पर इसमें थोड़ा ब्लैक हो गया, तो उसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया था और पेंट भी पूरा निकल गया खींचने में, तो अब ऐसे हो गया। अब इसके ऊपर या तो पेंट करेंगे या तो जो एप्पल बने हुए आते हैं ना वो लगाएंगे। अब इसमें ब्लैक ब्लैक हो गया, तो मंदिर में ब्लैक शुभ नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर मैंने रेड पेंट किया था। अब है फ्लोर को चमकाने की बारी, क्योंकि फ्लोर तो बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि बहुत धूल बैठ जाती है इसमें। तो मंदिर की भी साफ सफाई हो गई है, चमक गया मंदिर। अब फटाफट से इनको भी साफ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मूर्ति उर्ति रख ली है और बाकी की अभी कैलेंडर वहाँ रखे हैं, बाद में लगाऊंगी। और बाकी ये तांबे के बर्तन हैं, इनको मैं अभी साफ़ करती हूँ अच्छे से।
फिर जब मंदिर पूरा सज जाएगा, अच्छे से सजाऊंगी ना, तब दिखाऊंगी आपको। और मैंने नहा भी लिया है, बाल बाल भी धो दिए। तो गाइज मैंने नहा के दाल वाल चढ़ा दी है और इसमें चावल भिगाने रखे हैं। थोड़ी देर में चावल चढ़ाती हूँ और अब मैं निकालती हूँ इस वाले पर्दे को, क्योंकि बाकी पर्दे तो मैं बाद में ही धोऊँगी। ये मंदिर वाला पर्दा धो देती हूँ, क्योंकि मंदिर की सफाई करी है तो पर्दे भी धो ही देती हूँ। इसको धोती हूँ, फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी काम। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और सबके सब ऐसे नंगे पंगे बैठे हैं, गर्मी हो रही बहुत। और दाल चावल भी बन गया हमारा, दाल उधर चावल हैं और इसमें बनाए जूस, इसको पीते हैं, फिर बच्चों को देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो गाइस अभी हो गई शाम और बच्चे गए हैं ट्यूशन, और मैं भी कहीं गई थी, मतलब दूध देने जाते हैं ना जब बच्चे दे बच्चे होते हैं तो कि देखने जाते हैं तो दूध देने जाते हैं, वहाँ दूध का पैकेट लेके जाते हैं और बतासे लेके जाते हैं, और वहाँ से एक लड्डू मिला है। तो शाम के सब्जी की तैयारी करती हूँ। तो बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई और मैं थोड़ा बहुत मंदिर का जो बचा हुआ है इसको इनको लगाती हूँ, कैलेंडर जितने मेरे पास हैं। और बाकी ये मैंने ये धोए थे, देखो कितना चमक गया मेरा लोटा, चम चमका है। और ये दिया रखने वाला, अब मैं लगाती हूँ फटाफट से यहाँ कैलेंडर। अब है कैलेंडर लगाने की बारी, और टेप से चिपका रही थी मैं इनको, एक साइड से टेप चिपका हो तो दूसरी साइड से निकल जा रहा था, तो जैसे तैसे लगा ही दिया। और बच्चों की हेल्प भी नहीं ले सकती थी क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो क्या डिस्टर्ब करना उन्हें। फिर मैंने कैलेंडर तो लगा दिए एक दो, और बाकी मोर पंख भी लगा दी है मैंने, जो मैं जन्माष्टमी में लेके आई थी। पूरा मंदिर मैंने जितने मतलब फ़ोटो थे मेरे पास उतने लगा दिए हैं, अब थोड़े बहुत और लेके आऊँगी। तो मुझे लगानी है लाइट, लगाते हैं चलो। अब है लड़ी लगाने की बारी, और लड़ी भी मुझे अकेले ही लगानी पड़ेगी, बहुत उलझ रखी है, और लगाती हूँ। और जब लड़ी लग जाएगी ना उसके बाद मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि लाइट से ही ज़्यादा सुंदर लगता है ना मंदिर। तो गाइस मैंने लड़ी भी लगा दी है और ये पूरे मंदिर में लगा दी है। अब इसको चेक करती हूँ मैं, वाह ये देखो मेरा मंदिर कैसे चमचमाने लग गया है। माता रानी के स्वागत में सज गया मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लाइट वाइट लगाते हैं बहुत सारे, और दीपावली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि उसमें लाइट वाइट और घर की सजावट होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ही क्या, सभी को अच्छा लगता होगा दीपावली का त्यौहार। मुझे डेकोरेशन करना और घर वर सजाना और साफ़ सफाई करना ये अच्छा लगता है। और साथ में मैं मंदिर का पर्दा भी लगा देती हूँ, पर्दा भी लग गया हमारा। और मेरा मन तो मंदिर में ही बैठने को हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। अभी तो दीपावली में हम बहुत सारा सजाएंगे इसको, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है मुझे। तो गाइज अब मैं बनाती हूँ खाना, सब्जी तो मेरी बन गई है, आटा वाटा गूंथ के रोटी बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे सो भी जाएंगे ना, तो इसलिए फटाफट से बनाती हूँ। हेलो गाइज, आज है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल क्या दिखाने को कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा दूसरे दिन ही बना लूँ। और मैं आज जा रही हूँ बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में, बच्चों को करा दिया मैंने नाश्ता और यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, अपना कार्टून देखने में लगे हैं। एक ही पता नहीं क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आए हैं। तो गाइज मैं आ गई पेरेंट्स मीटिंग से घर, और अभी मैं ससुर जी लेके आए हैं मोमो, दिखाती हूँ आपको। और ये रहा है मोमो, वाह ये स्टीम वाले नहीं है, फ्राई वाले मोमो हैं। कौन कौन मोमो खाना चाहता है जल्दी से आ जाओ, ये पहले आ गया। और ये दोनों तो पढ़ाई कर रहे हैं,
कैसे हो रहे मोमो, कैसे लग रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? शिवम तो आ नहीं रहे, शिवम बहुत पढ़ाई करने में लगे ना। तो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं और कल से है नवरात्रि शुरू, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।